वही बेंच बना, उस बेंच में जो जज रिक्यूज किए थे वो भी शामिल थे, तो इसलिए थोड़ा सा इतने अहम मामले पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे ज़रूर इतना कमेंट ज़रूर करेंगे कि इसको जो अहमियत देनी चाहिए थी वो अहमियत नहीं दी गई, जल्दबाजी में उजलत में एक फैसला किया गया और अब कहें कि इसको इम्प्लीमेंट करो, उसके इम्प्लीमेंट करने में भी मसाइल बताए गए हैं। अब वो फेडरल गवर्नमेंट उधर है, नेशनल असम्बली ने, फेडरल कैबिनेट ने इस पर डिस्कशंस की हैं, और दूसरा जो मेरा इस पर सबसे अहम बात है कि आईन में हर इदारे के अपना एक पावर या उसकी जो मैंडेट या उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो लिखी गई हैं, और इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए कि वो सारी सूरत हाल देख के जिस वक्त चाहे वो इलेक्शन करे। और ये मैं आपको बताऊँ, पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं जाती, मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, इलेक्शंस ज़रूर होने चाहिए लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ, इलेक्शंस ऐसे ना हों कि उन पर 2018 वाला सवाल दोबारा आ जाए। ये सारी चीज़ें नज़र में रखते हुए इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए और मज़ीद पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। तव्हांजो बिल्कुल दुरुस्त सवाल आए हैं, असो दिल वेझो आए 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एकड़ो रेफरेंस सदर आसिफ अली जरदारी उन्हें वक्त में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मोकलो, तुम बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जै तरीके से अदालती कत्ल किया हो शहीद जुल्फकार अली भुट्टे जो, तक याद हों बेंच की हिंसर गाल थी ना 4-3 है या 3-2 है, उन वक्त में नवन की बेंच हुई, इंतजार किया हो जज रिटायर थे जो फेवर में वो शहीद जो तो उनके पिटिशन जी शहीद कई पी सजा के खिलाफ़ उन फेवर में हो, उन जज के वरी बीमार थी पो तो उन्हें रिक्यूज किया, वो भी फेवर में हो। आखिर में तो एक जज पाँगी बायोग्राफी में लिखो तो असाते प्रेशर हो, असल में यो फैसलो उन प्रेशर के बावजूद 5-4 अचण इन फेवर ऑफ चीफ जुल्फकार अली भुट्टो, जजन के वजन के करे ये 4-3 प्रेशर में उन बुधायो तो कें कें प्रेशर हो। तो उन सिलसिले में 2012 में असि सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल यो रंजिश आए तो वो प्रेजिडेंट जरदारी वारी वो रेफरेंस के उन बैक बर्नर से वही छो है। वरी 2018 में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पान वो कोर्ट चयी तो यो रेफरेंस जल्दी अप्लाई हो, कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी नेशनल असेंबली में है सुप्रीम कोर्ट के, तो जो तहजी दिल की आवाज़ निकती है सजे पाकिस्तान के मानू की दिल की आवाज़ है, तो यो जो अदालती कत्ल उनमें इंसाफ किया वे जे गाल पदर गयी खबर सभी की है, पर जे अदालत यो फैसलो को कल मुख्य तिठो हों तो इन सुप्रीम कोर्ट जो फाउंडेशन रखो ही शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जे उन इमारत के ठायो उन इमारत में रहने वाला उन इंसाफ न करे सकया है। इन कर अस वरी भी सुप्रीम कोर्ट के चूं था तरफों पाँच पार्टी की तरफों बिलावल साहब कल शहीद की वर्सी से यह गाल वर्जाई है जो मुझे प्राइम मिनिस्टर गाल कही है, अस उम्मीद था क्यों तो सुप्रीम कोर्ट जी इन मुल्क के करोड़े मारों की दिल में वसंद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो उन कत्ल से इंसाफ कर।